हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 27 फरवरी है और 27 फरवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए सेशन के करते हैं शुरुआत हम लोग, और आज का हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल सेशन होने वाला है आज का ये। अच्छा, कल आपसे सवाल पूछा था, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले में 5वां चित्र भारती फिल्म महोत्सव या फिल्म फेस्टिवल चला था। तो ये 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल चला था हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक था हमारा। बहुत सारे बच्चों ने डिटेल बताया था, हालांकि जो सवाल मैं पूछता हूँ उसका बहुत अच्छे से पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया करें आप लोग तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप लोग इस क्लास का PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार IQ एजुकेशन है, और के साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं स्टार IQ एजुकेशन के नाम से ही। और के साथ ही अपनी ना ज्योग्राफी की क्लास चलती है, रात को 11 बजे लाइव होती है, तो अगर आप तब तक सोते नहीं हैं, खैर यकीनन आप सोते तो नहीं हैं, लेकिन जो फ़ोन के अंदर रील या यूट्यूब पे कुछ आलतू फालतू की चीज़ें, फेसबुक पे सीरियल वगैरह वगैरह की चीज़ें हैं, अगर इनसे आपका मन अलग होके पढ़ने का दिल करे तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। बहुत डेप्थ में आपके लिए, अगर आप सिविल्स या ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लत लग जाएगी पढ़ाई की, ये तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। ठीक है, सो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज का जो पहला सवाल है वो क्या रहेगा कि अभी रिसेंटली विधानसभा में बजट सेशन, अभी आपको पता है बजट सेशन चल ही रहा है करंट में, और वहाँ पे टोटल कितने विधेयक पारित किए गए हैं। तो टोटल 2 विधेयक पारित किए गए हैं वहाँ पे। पहला तो है हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024, और दूसरा है सिगरेट और तंबाकू, सिगरेट या कोई अन्य तंबाकू उत्पाद है उनके विज्ञापन प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदेय और वितरण का विनियम हरियाणा संशोधन विधेयक 2024। 2 विधेयक हैं। चलिए थोड़ा मैं समझा देता हूँ इसको क्या है। हरियाणा में अब हुक्का बार चलाना या रेस्तरा, जितने भी आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, उनमें ग्राहकों को हुक्का परोसना ये दंडनीय अपराध माना जाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, रेस्टोरेंट में बहुत सारी पार्टी जब होती है तो पार्टी के दौरान क्या होता है कि एक फ्लेवर हुक्का जो है ना उसकी मतलब मनवार की जाती है, कह सकते हो। एक तो हुक्का होता है अपने गांव में चौपाल में ऐसा कुछ होता है, तो अरे एक हुक्का अक्सर पार्टी के दौरान देखने को मिलता है और लोग बड़े शौकिया तौर पर उसको पीना पसंद करते हैं। हालांकि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं मेरी हिदायत के अनुसार माना जाए तो, पर मान लेते हैं कुछ यूथ है वो भटक जाते हैं बेचारे, तो इस करके इन चीज़ों को अब हरियाणा में बैन कर दिया गया, ये एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। अभी रिसेंटली कल ही के दिन यानी कि सोमवार को हरियाणा सरकार ने इसके लिए एक विधेयक पारित कर दिया है। 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और 1 से 5 लाख रुपये तक का फाइन भी लग सकता है। चौपाल और पंचायतों में पीने वाले हुक्के को कानून से बाहर रखा गया है, बस ये चीज़ एक ध्यान रखने वाली है, चौपाल में पीते हैं या पंचायतों में या घर परिवार में, उन चीज़ों को नहीं। ये सर इनमें और में फिर फ़र्क क्या हो गया, ये एक अलग लेवल की बात है। यहाँ पे क्या है, इसमें लेवल अलग है, इसमें शराब पी के और ये स्टंट वगैरह करना थोड़ा सा गलत कर देते हैं ये फिर। और इसके अलावा जो है ना ये विधेयक पारित किया गया है, सिगरेट और जो भी तंबाकू उत्पाद है उसके तहत हरियाणा में हुक्का बार चलाना, रेस्टोरेंट वगैरह पे हुक्का परोसना, यही मतलब इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद कर देना है। सेकंड विधेयक जो था ना वो क्या था, गीता जयंती से रिलेटेड है आपका। और गीता आप सबको पता है कि गीता जयंती हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर साल ही बड़ी इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर एक अच्छा सा अंतर्राष्ट्रीय उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। KDB कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो है ना 1989 से गीता उत्सव है उसको मनाता आ ही रहा है। हरियाणा सरकार के लिए इसके अलग से प्राधिकरण बनाने की जरूरत नहीं थी, KDB सही काम कर रहा है। KDB के प्रशासक राज्यपाल होते हैं, इसके मुखिया हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हैं, और इसमें बेसिकली जो है ना बहुत सारी चीज़ें, कई बार ना इस पे गड़बड़ घोटाले के लिए बातें चलती रहती है, लेकिन एक मेला प्राधिकरण शहरी निकाय एक अलग से मतलब बोर्ड टाइप से जो है ना वो पेश किया था कमल गुप्ता ने, इसको बाद में चर्चा करके पास कर दिया गया। ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी कि इसमें बहुत सारे गड़बड़ घोटाले होते हैं, तो कहते अलग से कोई बात नहीं, एक बोर्ड बना दिया जाएगा गीता उत्सव से संबंधित। के अलावा हरियाणा में कुछ और भी चीज़ें हुई है, मैं आपको इनको बिना क्वेश्चन बनाए सीधा ही पढ़ा रहा हूँ। 554 अमृत भारत स्टेशन, विकसित भारत की नई पहचान, आपको ये कल के दिन के सेशन में एक पढ़ाया था मैंने, अमृत भारत स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन का मतलब क्या है सर, ये पूरे भारत में ऐसे छोटे छोटे स्टेशन हैं उनको एक्चुअली अपग्रेड किया जाएगा। सर छोटे स्टेशन का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये आता है, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल से आप बात करो हरियाणा के अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करो, एक नॉर्मल सा जंक्शन है, छोटा सा स्टेशन है,
अब छोटा स्टेशन है इन द सेंस कि इसके ऊपर अब इसको अपग्रेड कर दिया जाए। अपग्रेड किस सेंस में सर, यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, फूड कैफेटेरिया हो, सिनेमा थिएटर हो, इस टाइप की चीज़ें जो है ना यहाँ पे एड ऑन कर दी जाए। तो कई बार क्या होता है कि स्टेशन पे हम थोड़े पहले पहुँच जाते हैं, होता ही अक्सर भी मान लेते हैं कि ट्रेन हमारी 5 बजे की है, तो हम कोशिश करते हैं कि चलो 4 साढ़े 4 पहुँच ही जाएँ वहाँ पर। और कई बार क्या होता है कि मान लो 5 बजे की ट्रेन है, लेट होने की वजह से 6 बजे आए, 7 बजे आए, तो वहाँ बैठे रहें, इससे अच्छा इस जगह पे जाया जा सकता है। सर इस जगह पे जाएंगे पैसे लगेंगे, हाँ तो पैसे ही तो एक्चुअली इकोनॉमिक जोन बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है ना। आप जाएंगे वहाँ पे कुछ शॉपिंग करेंगे, हो सकता है आपको जेन्युइनली शॉपिंग करनी ही हो, तो आप शॉपिंग करेंगे, आपका काम वो भी हो गया, और के साथ साथ जो है ना यहाँ पे इकोनॉमिक जोन है वो भी बढ़ जाएगा एक टाइप से। इसी करके 554 अमृत भारत स्टेशन विकसित भारत की नई पहचान ये स्टार्ट किए गए। हरियाणा में इसके लिए टोटल 15 रेलवे स्टेशन है, उनका पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद न्यू टाउन स्टेशन का अमृत स्टेशन के रूप में कायाकल्प होगा। इनमें ना पार्किंग बहुत अच्छी हो जाती है, इनमें एक इन्फॉर्मेटिक सिस्टम बड़ा अच्छा हो जाता है, और के अलावा बैठने से मान लेते हैं कि मैं मेरी बताता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है अक्सर मीटिंग्स होती है और मान लेते हैं कि मेरे पास में मेरा लैपटॉप है, मैकबुक है, जो भी है, तो मैं अभी वहाँ स्टेशन पे हूँ, स्टेशन पे तो मीटिंग का कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि बहुत सारी शोर शराबा होगा, तो अलग से एक वेटिंग रूम होगा जहाँ पे आप अपनी मीटिंग वगैरह अटेंड करो, बहुत एकदम शांत साउंड प्रूफ आपको प्रॉपर एक रूम देखने को मिलेगा ऐसे स्टेशन पे जो अपग्रेड होंगे वो के साथ। 1500 ज़्यादा रोड के ओवरब्रिज और अंडरपास, ये भी एक अच्छी चीज़ है। जैसे मान लेते हैं आपने अक्सर देखा होगा ये फाटक वाली समस्या बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, अगर शायद आप खुद साधन चलाते हैं और ये इस समस्या से जूझते हैं तो मेरे हिसाब से इस बात को डिटेक्ट कर पा रहे होंगे। बहुत अजीब लगता है, कई बार कई कई देर का टाइम जो है ख़राब हो जाता है यहाँ पे। इसके लिए ओवरब्रिज कई बार क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा साधन आते जाते हैं तो वहाँ पे तो ओवरब्रिज बना दिया जाता है, गाँव वगैरह जो होता है उनमें अंडरपास बना दिए जाते हैं। तो ऐसे टोटल 29 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास उद्घाटन अभी रिसेंटली भारतीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया आपका, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला सवाल आता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ब्रेस्ट कैंसर की शीघ्र पहचान करने के लिए अभी रिसेंटली कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा आपको जानने के लिए भी ज़रूरी है, एग्ज़ाम परस्पेक्टिव भी ज़रूरी है, क्योंकि इस साल ना इस पर खासा जोर दिया जा रहा है। बजट से ही सेशन स्टार्ट हो गया था यूँ समझो, और भारत में यूनियन बजट में भी इसकी बात हुई थी और ये वाकई ही बात करने योग्य बात हो चुकी है, जो कि अक्सर लोग बात नहीं किया करते हैं, पर देखो करनी चाहिए। पहली तो बात मैं बताता हूँ कि ये ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है और यह उसको जल्दी डिटेक्ट करने के लिए हरियाणा में कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, सवेरा, ठीक है ना, ये सवेरा ही होगा, हिंदी इंग्लिश में सवेरा ही है। सवेरा कार्यक्रम क्या है पहले समझा देता हूँ। सवेरा कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसका टारगेट है कि ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पहचान की कर ले, डिटेक्ट कर ले, ताकि उसकी जल्दी ही रोकथाम कर ले। इसकी शुरुआत हुई है मेदांता फाउंडेशन ने गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से इसकी शुरुआत की है, और इस योजना के तहत जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है, दृष्टिबाधित लोग स्तन कैंसर की जाँच करेंगे, और सॉरी, क्योंकि उनके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि सेंसिंग पावर जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ऐसा देखने को मिला है। अक्सर आप लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता लेकिन वो चीज़ें छू के बहुत जल्दी बता देते हैं, है ना, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मतलब अपनी मर्जी से स्टार्ट कर दी गई है, ये पहले पायलट प्रोजेक्ट पे स्टार्ट किया जा चुका है प्रोजेक्ट, अब इसको एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट किया जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो चिकित्सा अच्छा ऐसा भी नहीं है कि कोई भी मतलब पर्सन ब्लाइंड पर्सन है उसको कहा जाएगा, जो पर्सन ब्लाइंड है और वो एक्चुअली मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है, मतलब डॉक्टर है कहने का मतलब है, उनको ही। तो दृष्टि बाधित व्यक्ति आधा सेंटीमीटर तक स्तन कैंसर का पता लगा सकते हैं, जबकि एक सामान्य डॉक्टर जांच के बाद 1 सेंटीमीटर तक इसका पता लगा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा मतलब फैक्ट है यहाँ पे। और पहले चरण में कार्यक्रम सेक्टर 10 के सिविल हॉस्पिटल, सेक्टर 31 के पॉलीक्लिनिक और वजीराबाद के जो पब्लिक हेल्थ सेंटर वहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी के अनुसार देश भर में रोजाना 90,000 महिलाएं स्तन कैंसर के कारण अपनी जान गंवाती है। आप ये देखिएगा आंकड़ा, एक बार सुन के आपके होश उड़ सकते हैं, ये लाइन पढ़ के दोबारा देखिएगा, 90,000 वुमेन, और ये रोजाना है, ये पर डे की बात हो रही है, पर डे, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ये।
झज्जर जिले में एम्स में जो आपका नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना का भी उल्लेख किया गया, जो 1000 बेड से सुसज्जित है। और मैंने आपको वैसे भी पहले पढ़ाया होगा, झज्जर के अंदर जो एम्स दिल्ली आईआईटी जो है ना, आपकी आईआईटी दिल्ली है, वो 50 एकड़ में कैंसर इंस्टीट्यूट के या एक रूप में सेंटर सेटअप करेगी और सटीक दवाई कैंसर की खोजने का काम करेगी। ठीक है, कैंसर क्या होता है ये बात आपको बहुत सिंपली पता होगा। जैसे मान लेते हैं कोई एक सेल हमारी बॉडी के अंदर डैमेज हो गई, मान लेते हैं ब्लड की बात करते हैं, ये ब्लड की वेसल है, इसमें खून बह रहा है, एक सेल डैमेज होगी और बहुत सारी और भी सेल्स जो है ना इसे डैमेज होती गई, तो ये क्या बन जाएगा, एक गांठ जिसको आप ट्यूमर कहते हैं। स्टार्टिंग का जो फेज होता है वो ट्यूमर से स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टेज होता है ये, धीरे धीरे ऐसे ऐसे ट्यूमर कई सारे बॉडी में फैलने लग जाए पूरे शरीर में, तो एक ये एक्चुअली क्या है, ये फिर आगे की थर्ड फोर्थ स्टेज में चले जाते हैं। अब आपके मन में एक बहुत सिंपल सा सवाल आया होगा कि सर ऐसा क्यों किया गया, ये सवेरा कार्यक्रम क्यों स्टार्ट किया गया है, या जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है उनसे ऐसा क्यों कि करवाया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, कैंसर रोग खतरनाक कब बनता है, ऐसे खतरनाक नहीं है एक्चुअली, ये जीरो स्टेज से स्टार्ट होता है, जीरो, फिर जीरो ए होता है इसके अंदर, फिर इसके अंदर वन आता है, फिर इसके अंदर भी कुछ और डोटेड स्टेट आती है, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज है मोटे तौर पर, फिर थर्ड आती है, फिर फोर्थ आती है, ऐसे करके स्टेजें चलती है। तो कैंसर की प्रॉब्लम यह है कि वो स्टार्टिंग की 2-3 स्टेज तक तो एक्चुअली पता ही नहीं लगता है, यहाँ तक तो पता ही नहीं लगता है, और जब यहाँ पे जाके पता लगता है तब इसको एक्चुअली डायग्नोस करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स वाई जो है ये कैंसर का पहले से ही डिटेक्शन करने के लिए, आप मेरे अगर नेशनल करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने इसमें एक क्वेश्चन पढ़ाया था अभी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, अभी हाल ही में जो है ना ऑनकोलॉजी एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, ऑनकोलॉजी एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वो किसने किया पता है आपको, वो किया एक तो सीडेक ने किया है, सीडेक और सीडेक के साथ में किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के द्वारा, इन दोनों ने मिलकर किया है। क्या है सर ये सीडेक का मतलब, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ऑनकोलॉजी एआई का मतलब है कि कैंसर को पहले से ही एआई तरीके से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले से डिटेक्ट कर ले ताकि उसको जल्दी जो है डायग्नोज किया जा सके। तो ये आंकड़ा सालाना लगभग 8 लाख से ज़्यादा का हो जाता है, 8 लाख से ज़्यादा लोग जो है ना साल भर में कैंसर से मर जाते हैं, 90,000 महिलाएं हर रोज इसी ब्रेस्ट कैंसर के कारण ही अपनी जान गंवाती है। महिलाओं में देखो दो कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एक है सर्वाइकल कैंसर और एक है सर्विकल कैंसर और एक है आपका ये ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो एक्चुअली इसीलिए स्टार्ट किया गया है। तो आपको मैंने ये तो समझा दिया किस तरीके से होता है ये आपका ब्रेस्ट कैंसर का मतलब क्या है, ब्रेस्ट कैंसर। अब देखो ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण जल्दी ये होता है कि ब्रेस्ट भी अपने आप में एक गांठ ही होती है, और उस गांठ जैसे बहुत सारी गांठें अगर बनने लग जाए तो यूँ समझो अब जहाँ से दूध नलिकाएँ या स्तन के दूध उत्पन्न करने वाले जो लोबुल होते हैं ना वहीं से ये गांठें स्टार्ट होती है सबसे पहले एक्चुअली। तो बड़ा ये कह सकते हो कि टफ सिचुएशंस रहती है, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को मतलब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप यही है कि आपको थोड़ा बहुत भी अगर अपनी देखो महिला लड़की होने के नाते आप इतना थोड़ा इस बात को समझने की कोशिश करना, इसके ब्रेस्ट के ऊपर अगर कोई भी आपको अलग सा कलर दिखाई देने लग जाए, अगर आपको जो ना उसके ऊपर पेन हो, ठीक है ना, ध्यान दे अगर उसको, अगर देखो नॉर्मली हाथ लगा के टच करके देखने से अगर उसको ज़रा ज़रा सा थोड़ा थोड़ा देखो इसके सिम्टम है फर्स्ट स्टेज का ये पेन होने, थोड़ा थोड़ा पेन महसूस होगा, उल्टे लेट के देखते हैं तो और जो है ना इनके ऊपर प्रेशर पड़ने से दर्द ज़्यादा महसूस होने लग जाए या दर्द ज़्यादा लगे आपको, एक होता है नॉर्मल पेन होता है वो आप समझते हैं, थोड़ा अलग टाइप का पेन होता है, तो आपको इसको डायग्नोज करने की बहुत ज़रूरत है, मतलब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की इनिशियल लेवल पे बड़ी ट्रीट जरूरत होती है। इसे डरना नहीं है, जीरो स्टेज से लेकर थर्ड स्टेज तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से ठीक हो सकता है एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉब्लम आती है फोर्थ या फिफ्थ स्टेज तक जाते जाते, ठीक है। और एक कैंसर मैं कह रहा था जो आपका सर्विकल कैंसर होता है जो कि HPV इसके कारण होता है, HPV के इन्फेक्शन के कारण होता है आपका, जो कि पेपिलोमा वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसकी वजह से जो कि प्राइवेट पार्ट पे होता है, और सर्विकल कैंसर लगभग 99% जोखिम वाला मामला है। ये तो ऐसा कुछ यूँ मान के चलो ऐसा है कि 125,000 इसके सालाना केस आते हैं जिनमें से 75,000 से ज़्यादा महिलाओं की डेथ हो जाती है।
और इसके ये होने का कारण आप इनिशियल सिम्टम इसके देख पाएंगे तो वो होगा वाइट डिस्चार्ज, जो कि आप कह सकते हो सफ़ेद पानी। अगर इससे, मैंने पहले भी इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, आप इस बात में थोड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो है उस पर बात ठीक कर खुल के बात कर सकते हैं। देखो जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए कोई शरमाने वाली बात नहीं है, ना ही इसमें कोई डरने की बात है। अगर है तो उसके इलाज भी होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल पीरियड से 1 या 2 दिन पहले या पीरियड के 1 या 2 दिन बाद नॉर्मल डिस्चार्ज होना, वाइट डिस्चार्ज, वो बेसिक चीज़ है। लेकिन एक पूरे महीने होना और बहुत ज़्यादा होना, फाउल स्मेल आना, बहुत गंदी बदबू आना, वो एक बड़ी खराब चीज़ है। उसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज उसके पॉसिबल है आपके, ठीक है ना। और ये 16 से 18 उम्र में 50% जो है ना सर्विकल कैंसर के कारण बनते हैं स्टार्टिंग यहाँ से। इसीलिए आपने देखा होगा रिसेंटली भारत सरकार ने 9 से 14 साल की उम्र के बच्चों को इसकी वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी, ठीक है। और दुनिया भर में महिलाओं में जो है ना सर्विकल कैंसर चौथा सबसे सामान्य कैंसर है। 2020 में दुनिया भर में सर्विकल कैंसर के लगभग 90% नए मामले आए थे और मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। खैर, अगला सवाल आपका आता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में हरियाणा का कौन सा स्थान आया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में हरियाणा राज्य का तीसरा स्थान आया है इस बार। खेलो इंडिया यूथ गेम इस बार कब से कब तक थे, 19 से 31 जनवरी 2024 तक चले थे। तमिलनाडु के 4 शहरों में हुए थे, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में हुए थे। महाराष्ट्र ने 57 गोल्ड लिए और तमिलनाडु इसमें 2 नंबर पे आया था 38 गोल्ड के साथ में, और हरियाणा राज्य जो है ना 35 गोल्ड के साथ में तीसरे नंबर पे था, 22 सिल्वर थे और 46 इसमें ब्रॉन्ज मेडल आए थे हमारे। और इसके बाद में बात करते हैं तो स्क्वैश ने इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम में पदार्पण किया, जबकि सिम्बलम स्वदेशी मार्शल आर्ट, ये भी एक नया गेम इसमें जुड़ा था। वेपन बेस्ड एक मटेरियल आर्ट होता है सिम्बलम आपका। सिम्बलम शब्द जो है ना स्वयं एक खेल के बारे में बताता है। सिलम का अर्थ होता है पहाड़ टाइप का और बम का अर्थ मतलब होता है बैम्बू, तो उसका उपयोग मार्शल आर्ट के रूप में किया जाता है। ये केरल के मार्शल आर्ट जो कलारी पट्टियू है, इससे इसके आसपास का ये माना जाता है, सबसे दुनिया के सबसे पुराने मार्शल आर्ट में से एक माना जाता है, बल्कि इसको तमिलनाडु एरिया का है ये। इसकी उत्पत्ति जो हुई है तमिलकम में हुई थी, वर्तमान जो भारत में तमिलनाडु का एरिया आता है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, ये क्या इसका टारगेट है, पहली तो बात ये कि इसको लाया ही क्यों गया था। देखो, इसको लाया गया था कि ग्राउंड लेवल पे स्कूली बच्चों के अंदर एक अच्छा ये सेटअप किया जा सके, मतलब बच्चों के अंदर जो है ना इसको ठीक ढंग से इम्प्रूव किया जा सके। खेलो इंडिया के टोटल 12 इसमें कार्यक्रम है अभी, खेल को दिव्यांगों के लिए कहो या बच्चों के लिए कहो, मानसिक स्तर सुधारने के लिए कहो, 2018 से इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, और इसका मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चलो, आज के सेशन को इतना ही हम रखते हैं, और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा के किस बॉक्सर ने NBA इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल 2024 जीता है, बताना विस्तार से इसके बारे में आप लोग। और हाँ, कुछ बच्चे NTT 1 साल और 2 साल में कंफ्यूज है, वैसे अभी पंजाब में वैकेंसी आई हुई है और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, आप उनमें ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप पंजाब के आसपास के इलाके के हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस साल जल्दी जॉब पाने में। और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। चलो, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।